नमस्कार दोस्तों, आर्ट कट्टा यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पिछले 3 महीनों से हम जिस तरह मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, हर चीज अपनी जगह ठहर सी गई है। इन 3 महीनों में शायद हम कुछ साल पीछे चले गए हो, मगर हम हारे नहीं हैं और ये वादा है हम हारेंगे भी नहीं। जिंदगी अपने रास्ते बराबर आगे बढ़ रही है और जीने की एक उम्मीद जगाती है। इतनी मायूस हालात में भी जबकि कुछ जिंदगियां रास्तों पर भटक रही है, मासूम जाने भूख से बिलख रही है, मंजिल खोती जा रही है, ऐसे हालात में कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्मीद की किरण बनकर उजाले बांट रहे हैं। आशा की एक मशाल है उनके हाथों में और वे गीत गा रहे हैं। रात जितनी भी संगीन होगी, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। ऐसे कठिन हालात में उम्मीद का किरण बनकर सामने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा बुद्रुक गांव के चित्रकार राज मोहम्मद पठान। लॉकडाउन लगने से पहले उनके हाथ में एक पेंटिंग का काम आया था जो कि काफी बड़ा था। उसका एडवांस भी उन्होंने लिया था, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वो एडवांस उनको रिटर्न करना पड़ा। हाथ में आया हुआ 5 लाख का काम वापस चला गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। जो हुई है वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। घर में एक दिन ऐसे बैठे थे, किचन से अपने होम मिनिस्टर का उनको बुलावा आया और उनको बोला गया कि अपने घर में झाड़ू नहीं है, आप एक तो झाड़ू लेके आओ या फिर झाड़ू बना के मुझे दे दो। अब राजू बहू के पास 2 चॉइस थे, एक तो झाड़ू बनाओ या लेकर आओ। उन्होंने सोचा अपने खेत में नारियल के 50 पेड़ है, इतने सालों से वो पेड़ खेत में है, उसकी टहनियों को हम जलाते हैं, तो चलो आज झाड़ू बना के देखते हैं। वो खेत में गए, टहनी तोड़ के लेके आए, उसके पत्तियों से उन्होंने झाड़ू बनाए, वो 5 झाड़ू बन गए। घर में एक ही झाड़ू चाहिए था, फिर बचे हुए 4 झाड़ू का क्या करें, ऐसे सवाल उनके सामने आ गए। उन्होंने सोचा अपने गांव में एक छोटा सा बाजार भरता है, उस बाजार में इस झाड़ू को हम बेचेंगे, उन्होंने सोच लिया। दोस्तों, ये जिसने सोचा वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने करीब करीब 100 एग्जीबिशंस मतलब कला प्रदर्शनी की है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी कला को प्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है। ऐसे आदमी ने ऐसा सोचना कि मैं झाड़ू बेचूंगा, ये आप सोच के देखो कि क्या सोच होती है। दिमाग में एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट, बस एक पॉजिटिव ख्याल अपने दिमाग में आता है और इंसान कैसे बदलता है उसका ये एक एग्जांपल है। उन्होंने झाड़ू बाजार में बेचने लेके गए, जाते समय 2 झाड़ू बेचे गए, 2 झाड़ू बाजार में बेचे, आते समय 4 झाड़ू बिक गए थे। ये सारी हकीकत उन्होंने अपने घर में अपने मिसेस को बताई और उन्होंने सोचा कि चलो अपन झाड़ू बनाने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कोई लागत नहीं थी। घर के पेड़ थे, उसकी टहनियां थी, पत्तियां थी, उससे अपने को झाड़ू बनाना था। उन्होंने ये छोटा सा बिजनेस बोलो आप अपने घर में ही शुरू कर दिया। इसमें 3 लोग थे, खुद राजू बहू, उनकी मिसेस और उनकी छोटी सी बेटी। ये तीनों ने मिलकर झाड़ू बनाने का काम शुरू कर दिया। हफ्ते में 2 बाजार वो लोग करते थे, एक गांव का एक साइड के गांव का, दोनों बाजारों में झाड़ू बेचने जाते थे। आज की सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने पिछले 2 महीने में करीब करीब 600 के ऊपर झाड़ू बेचे हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार झाड़ू बेच रहा है और उसमें भी उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। अगर आप दिल में कुछ लाते हो ना कि मुझे यह करना है, और जब आप उसके पीछे अपनी कोशिश करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो मिलता है, उसका एक एग्जांपल है। उन्होंने करीब करीब 600 के ऊपर झाड़ू बेचे। उनके बेटी का बहुत दिन से पैर का एक छोटा सा ऑपरेशन था, वो पेंडिंग था क्योंकि पास में पैसे नहीं थे। उस झाड़ू से आए हुए पैसों से उसने अपने छोटी बेटी का ऑपरेशन भी करवाया। आज वो बेटी भी झाड़ू बनाने में उनकी मदद करती है।
जब इंसान के ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है तो इंसान बहुत नेगेटिव सोचने लगता है कि मैं अभी क्या करूं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आते हैं और अपने हाथ से कुछ चीजें हो जाती है। इससे सीखने वाली ये बात है कि एक छोटा सा बिजनेस झाड़ू बनाने का उन्होंने शुरू किया और उसको सक्सेस करके दिखाया। कभी भी कोई चीज करनी होती है तो अपने दिमाग में, सबसे पहले अपने खुद के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा। ये सारी चीजें अपने दिमाग में जब आती है तो इंसान कुछ ना कुछ करता है। गांव में नदियों को बाढ़ आती है, उस बाढ़ में बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, बह जाते हैं, लेकिन बांस का जो झाड़ होता है ना, वो बांस का झाड़ फ्लेक्सिबल होता है, वो बाढ़ के साथ झुक जाता है। जब बाढ़ चली जाती है तो फिर से खड़ा रहता है। इंसान इस सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर अपने दिमाग में होगी, अपन अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो जरूर कैसे भी सिचुएशन अपने सामने आए, हम जरूर उसको सक्सेस में बदलेंगे। संकट की इस घड़ी में जिन्होंने अपने लिए एक मिसाल खड़ी कर दी, ऐसे एग्जाम्पल अपने आजू बाजू में बहुत हो गए। गांधी जी कहते थे कि गांव की तरफ चलो, गांव में जो अपनी नैसर्गिक संपत्ति है उसको देखो, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, अपनी जरूरतें कम से कम करो। उन्होंने वही किया और आज एक मिसाल बनकर सबके सामने आए। ऐसे राजू बाबू और उनके परिवार को हमारा दिल से सैल्यूट है। दोस्तों, हमको बस इसी तरह राजू बाबू की तरह पॉजिटिव सोचना है और अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अगर उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ये सोचते कि ये मैं कैसे करूंगा, तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं होते, या फिर उनका इतिहास हमको पढ़ने नहीं मिलता। उन्होंने जो किया वो अद्भुत था, ये आप सभी को पता है। हम लोगों को बस एक छोटा सा थॉट अपने दिमाग में डालना है, पॉजिटिव थॉट डालना है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन सी चीज है, उस चीजों की लिस्ट करना है और सबको प्यार बांटना है। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास घर है। दोस्तों, घर होना कोई मामूली बात है? करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेघर है। कुछ बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास हाथ पैर तो अच्छे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये भी नहीं है, जरा उनके बारे में भी सोचो। सोचो उस किसान के बारे में जिसके हाथ में आई हुई फसल बाढ़ की वजह से बह जाती है, वो क्या सोचता होगा। वो संकट के घड़े में भी खुद को स्टैंड करता है, जिंदगी के बारे में कभी रोना नहीं रोता। यही लोगों के बारे में सोच के हमको जिंदगी आगे बढ़ानी है और हमको आगे जाना है। दोस्तों, ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स खुद के माइंड में लाना है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यू ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।